अब काइट लूटिंग की वीडियो हो और पतंग कट के ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। देखो भाई, वीडियो स्टार्ट ही करी थी, पतंग कट के आ रही है, और देखो उस बंदे ने काटी थी, ये आई। मुझे लग रहा है अपनी छत में गिर जाएगी, इसे लूटने की भी जरूरत नहीं है। आ जा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस बस बस, ये लैंड करना है। और वो देखो आ गई पतंगबाजी। देखो यार, आज मज़ा आ जाएगा पतंगें लूट के, इतनी पतंगें कट रही हैं एक एक मिनट में। आपको भी वीडियो देखते मज़ा आएगा, आप अभी से लाइक कर दो, बाकी पतंग लूटते। यहाँ पे देखो, ये तीन पतंग मैंने अभी लूट ली। अभी भाई, एक और पतंग आई, एक और पतंग आई ऊपर से। डोर बहुत है इसमें, डोर बहुत है, मुझे लगता है आगे जाना पड़ेगा, आगे वाली छत में आ रही है आराम से। देखते हैं कहाँ है डोर, यहीं होगी भाई, यहीं होगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्डलवर ऑफिस। सामने आप देखोगे ना तो पतंगें तंगे लड़ रही हैं, मुझे लग रहा है इसमें से कोई पतंग कटेगी जिसे हम लूट सकते हैं। बाकी ये बंदा लपेटने वाला भी है, अब कन्फर्म नहीं है ना कि पतंग कटे तो हम लूट लें। पेज फंसा, कट जा भाई, कोई तो कटे जल्दी कटे। और वो कटी भाई, पतंग कट चुकी है, बाकी अब हमें करना है वेट। आ जा, बस ये बंदा यार लपेट ना ले, वरना तो पतंग अपने ही घर में आएगी। आज क्या करूँगा ना, इस पतंग को मैं लूटूंगा नहीं, देखते हैं अपने घर में गिरती है नहीं गिरती है, अपनी किस्मत होगी गिरेगी तो। एक गिरी 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 भाई अपनी, देखो कहता हूँ ना मैं, किस्मत की पतंग होती तो आपके घर में खुद गिर जाएगी। पतंग पीछे से कट के आई थी, अभी आपको पतंग दिखाता हूँ। डंडा भी फिलहाल मैंने हाथ में पकड़ रखा था कि अगर नहीं गिरेगी तो हम लूट लेंगे। ये रही पतंग, अबे यार ये देखो अभी भी ये लोग चाइना मंजा उड़ा रहे हैं। अब पतंग की हालत देख के लग रहा है कि बच्चे अच्छे उड़ा रहे थे, जिस सबसे पेज आपने देखा ना, तो मुझे लगा छोटे बच्चे थे 12-13 साल के, तो उन्हें यार इतना पता भी नहीं। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कॉटन मंजा यूज करो भाई, कॉटन यूज करो, कहीं से भी लो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे थ्रू लो, कहीं से भी लो कॉटन मंजा यूज करो। बाकी पतंग हमने आज की पहली पतंग लूट ली है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई और कटेगी दिखाते हैं। अब वेट करते करते इतना टाइम हो गया कि कोई पतंग ही पीछे से कट के नहीं आ रही है। एक पतंग कट के आई थी, इस बंदे ने लपेट ली। पीछे छोटी छोटी पतंगें उड़ रही, मुझे नहीं लगता वो अपने घर तक आ पाएंगी। तो बस काइट लूटूंगे, सबसे गंदी चीज़ जो लगती है, आपको भी लगती होगी, मुझे भी लगती है, बस वेट बहुत करना पड़ता है। लेकिन अगर वेट कर लिया तो भाई पतंगें ही पतंगें होंगी आपके पास। खैर आगे देखो, वहाँ पे काफ़ी पतंगें उड़ रही हैं, और मेरे सर के ऊपर यही एक ही बंदा आया रवि, कोई लड़ाने वाला नहीं है इससे। अब एक ही चीज़ हो सकती है, या इस बंदे की पतंग टूट जाए, या फिर ये काट दे जो आगे दिख रहा है। आ जा, हाँ थोड़ा सा और आ जा, और इसकी पतंग काट दे तो हम लूट लेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता ये लोग पेड़ लड़ाएंगे, और लड़ाएंगे भी तो अपनी छत में तो नहीं आने वाली, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अब जिसने भी कहा है सवर का फल मीठा होता, भाई सच ही कहा है। सामने जो पतंग उड़ रही थी ना, जो मैंने कहा था टूट गया है, वो बेचारी कट ही गई, एक बंदे ने काटा, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया, वो कट के आई और सामने पेड़ में गिर गई। ये पेड़ भाई बहुत मेरी मदद करता है, अगर ये पेड़ ना हो ना तो जितनी पतंग यहाँ पे फंसती हैं ये सब नीचे जाएंगी। खैर इस पतंग को निकालते हैं, आपको दिखाते डंडा कहाँ है अपना, ये रहा। चल भाई आ जा, अभी अभी ये क्या हुआ, अबे फंस गई, अभी रोड में ही जाने वाली थी, देखो तब भी जैसे तैसे पेड़ में डोर फंस गई इसकी, बहुत आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस पतंग में। तो ये देखो आज की डूकी सेकंड पतंग, जो पतंग आपके नसीब में होती है वो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगी, चाहे फिर वो पेड़ में फंसे या फिर आपकी छत में खुद गिरे। मंजोली पतंगें उड़ी, सारी मंजोली थी, और ये वही थी जो अपने अभी सर के ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि मैं कह रहा था टूट जाए। और हमारी काली जुबान ऐसी लगी इस पतंग में कि बेचारा कट ही गया और कट के गिरा अपनी छत में। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, इन पतंगों में एक दिक्कत है, चालू पतंगें क्या होती है, अब इसका ठड्डा देख रहे हो आप, ये कितना आपको ब्लैक लग रहा है, इसे हाथ से रब करोगे ये मिटेगा नहीं, ये है भाई चालू पतंगें, इसको ना पेंट करा गया है, तो ये चालू पतंग में आती है। अब जो दूसरा ठड्डा होता है, जिसे मतलब मोमबत्ती से आराम से वो करा जाता है, सेका जाता है, वो ये हट जाएगा एक ही बार में, तो इसीलिए थोड़ी सी सस्ती होती है, इसमें मेहनत कम लगती है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए वो पतंग थोड़ी सी महंगी होती है। तो यही डिफरेंस होता है चालू पतंग और अच्छी पतंग में। यहाँ पे आप देखोगे भीड़ है भाई, पूरी भीड़ है पतंगों की, और लाइन से कट के जा रही पतंगें, एक पतंग वो कट गई, ये बंदा लपेट लेगा, एक पतंग ये कट गई, अभी यार कितनी कट रही है भाई, दो तीन पतंगें एक साथ कट के जा रही हैं, एक वो आगे निकल गई, एक ये गई, और लपेटने वाले देखो आप मरे जा रहे हैं, आपस में लपेट के आपस में फंसा लेते हैं ये लोग पतंग एक दूसरे की। वो देखो उसकी भी कट गई, मैं कह रहा हूँ ना लाइन से पतंगें कटती हैं, जब भी कटती हैं। कोई तो आ जाए भाई और पतंगें लूट लें एक दो, हम फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, दिखाते हैं लूट के। भाई आई पतंग, आई पतंग, आई पतंग तो आई है कट के, बहुत ज़्यादा डोर है इसमें, दिखाता हूँ डोर कहाँ गई, इस बंदे ने काटी थी और डोर अभी तो ऐसी गिर जा रही, आ गई डोर, आ गई डोर, ये रही ये रही ये रही,
सेठ ये क्या हो गया भाई, पतंग नीचे गिर रही है यार। कहाँ गई डोर, मेरे हाथ में पतंग कहाँ है, पतंग नहीं दिख रही है। अच्छा उनकी उसमें गिरी है पतंग सामने आलू की छत में। भाई अब तार में फंस गई, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब आपके एक हाथ में कैमरा होता है ना, जिससे हाथ से आप पतंग उतारते हो। अभी कोई कैमरामैन होता तो बहुत आराम से पतंग लूट सकता था। फिलहाल ये पतंग आ गई है, थोड़ी सी नीचे दिखाता हूँ उठा के। अब ये देखो ये थी पतंग, आपने देखा मैंने कितनी मेहनत करी बेचारी एक पतंग लूटने के लिए, इस बंदे ने काटी थी और एंड में हमें मिल गई। सच में भाई काइट लूटिंग की वीडियो बनाना सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है। एक हाथ से पतंग लूटो, एक हाथ से कैमरा संभालो। बस अच्छी बात यह रही कि पतंग हमने लूट ली, अगर ये पतंग निकल जाती ना मेरे हाथ से सिर्फ वीडियो के चक्कर में तो बहुत दिमाग ख़राब होता। अब मैं आपको दिखा दूँ हमारे पास कितनी पतंग हो गई, एक हमने ये लूटी थी और एक हमने ये लूटी थी ब्लैक वाली जो सबसे पहली कट के आई थी अपने छत में गिरी थी, और जो हमने तीसरी पतंग लूटी है वो ये रही। अब भाई एक और पतंग कटी, एक और कटी, एक और कटी, एक और कट के आ रही पीछे से। आज मैं पागल हो जाऊंगा सच में पतंग लूटते भाई एक और पतंग कट गई इसकी डोर, ये निकल रही है। आ जा सेट यार, इसमें भी चाइना, ये नहीं मानेंगे यार चाइना वाले। इस पतंग में भी देखो चाइना, पतंग की हालत बता रही है, अभी बेकार पतंग है। इसको भी उतारते हैं दिखाते हैं। भाई लोग नहीं समझ रहे, हर पतंग में यार चाइना उड़ा दे रहे हैं, पता नहीं क्या ही करना चाह रहे हैं ये लोग। ये भी आप देखोगे ये जो पतंग कटी थी इसमें भी चाइना है। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ आज हमारे पास कितनी पतंगें हो गई हैं, एक दो तीन चार, चार पतंगें हैं। और ये वाली पतंग हाल देख के आप देख सकते हो, ये कोई बहुत ही छोटा बच्चा है जिसने भी उड़ाई है, मुश्किल से 7-8 साल का। क्योंकि अच्छा जो भी होगा ना 12-13 साल का बच्चा होगा वो भी ऐसी पतंग नहीं उड़ाएगा, फटी हुई पतंग है बस, वो जैसे तैसे उड़ा रहा था, किसी ने उसकी पतंग काटी और हमने लूट ली। तो ये सारी पतंगें लूटी हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मान जाए इसे हम उलझा के फेंक देंगे ताकि ये कोई और भी इसे यूज ना कर पाए। बाकी आज हमने कितनी पतंगें लूटी हैं, एक दो तीन चार, चार पतंगें लूट ली हैं। आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। थोड़ा सा वेट और करते हैं, और कोई आती है दिखाते हैं लूट के। तो काफ़ी देर हमने वेट करा लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि हमारे नसीब में कोई पतंग है, क्योंकि हवा चेंज हो गई है। अभी चल रहा था पछाओ तो जितनी पतंग है वो दिख रही ना सामने, ये सब मेरे सर के ऊपर लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही हवा चेंज हुई ये सब भाग गई उधर को। एक और पेज लड़ रहा है मेरे सर के ऊपर, बस अब एक ही पतंग है जो कि मुझे नहीं लगता है टूटेगी। इतनी भी काली जुमान नहीं है हमारी कि जो हम कहें हर बार हो जाए। फिलहाल आपको वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और काफ़ी लोगों ने कमेंट करा है कि भाई काइट शॉप की वीडियो चाहिए, तो वेट कर लो एक दो दिन, कल शाम तक या परसों तक वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।